एक तरफ जहां कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद देश नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में झुलस रहा है, समाज का दो तबका सीएए के खिलाफ आमने सामने आ चुका है। ऐसे में अखिल भारतीय संत समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफें करते हुए कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में 50,000 टूटे पड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। ये बात अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य अविचल दास महाराज ने कही। उन्होंने कहा कि 50,000 मंदिरों के जीर्णोद्धार का मुद्दा उन्होंने धारा 370 हटाए जाने के पहले ही भारतीय जनता पार्टी सरकार के समक्ष उठाया था और उस समय सरकार ने उनकी मांगों को मान्य कर लिया था और आज सरकार उसी के तहत एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। 50,000 मंदिरों जो टूटे हुए हैं उसका सबसे पहला 370 धारा हटने से पहले ये प्रश्न को अखिल भारतीय संत समिति ने उठाया था और हम इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को बधाई साधुवाद देना चाहते हैं कि हमारी ये बात को उन्होंने स्वीकारा और इस दिशा में आप बार बार देखते ही होंगे निवेदन सरकार भी उस दिशा में कार्य कर रही है। आपने कुछ लक्ष्य रखा है कि आगे कब तक आप इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे? देखिए, जैसे 370 धारा हटने के बाद जिस तरह से वहां की जनता में जो लोगों ने कट्टरतावाद के नाम पर जो उन्माद जगाया था और धीरे धीरे वहाँ की जनता को समझ में आ रहा है कि उनके लिए क्या हित की बात है और उस तरह से, क्योंकि कोई भी बात ऐसी कि एकदम तो होना मुश्किल है, क्या होना मुश्किल है। जैसे पहले कई लोग चिल्लाते थे वहाँ नेट इंटरनेट शुरू करो, ये करो, वो करो, और सरकार से बहाल कर रही है, तो हमने कोई समय सीमा तो तय नहीं की है, लेकिन हम आश्वस्त हैं कि कार्य सरकार अवश्य करेंगे। स्वामी अविचल दास ने शुक्रवार को जिले के गांव खरड़ अलीपुर स्थित स्वामी दीप्तानंद अवधूत आश्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस मुद्दे पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आश्रम के संचालक स्वामी कृष्णानंद को उत्तरी भारत का प्रभारी मनोनीत किया गया है। पत्रकारों से बात करते हुए स्वामी अविचल दास ने कहा कि धारा 370 हटाकर केंद्र सरकार ने सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बधाई के पात्र हैं। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए सीएए प्रस्ताव का भी समर्थन किया और कहा कि यह केंद्र का ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने कहा कि संत समाज समिति सीएए का भी समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि सीएए की आड़ में कुछ लोग देश को तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं जो गलत है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को करारा जवाब देने की जरूरत है। वर्तमान हालात में संत समाज जो राष्ट्र विरोधी प्रवृत्तियों से लिप्त लोग हैं उनको बचाने में जो लोग लगे हैं किसी न किसी बहाने, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और लोगों के साथ लोगों तक ये संत समिति गांव गांव तक पहुंचेगी और राष्ट्र को तोड़ने वाले जो लोग हैं उनकी मंशा को हम सफल नहीं होने देंगे। इस सरकार ने जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन बिल जो पारित किया है वो देश के हित में है, आवश्यक है और इसका हमारा पूरा समर्थन है। साथ में साथ जो आबादी नियंत्रण की जो बात हो रही है उसके भी हम पक्षधर हैं और इस बात में हम सरकार के साथ इस देश का पूरा संत समाज चट्टान बन के खड़ा रहेगा, ये हमारी भूमिका है।
इस अवसर पर आश्रम में होने वाले कार्यक्रम की अधिक जानकारी देते हुए आश्रम के संचालक स्वामी कृष्णानंद महाराज ने कहा कि आश्रम में 11 दिवसीय कार्यक्रम 17 जनवरी से चल रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को सुबह पूजा अर्चना के बाद सदगुरु बंदी छोड़ स्वामी दीप्तानंद जी महाराज व सदगुरु बंदी छोड़ स्वामी हरिनानंद महाराज की मूर्ति स्वरूप की शोभा यात्रा निकाली गयी। स्वामी दीप्तानंद अद्भुत आश्रम में मूर्ति स्थापना के लिए जो आयोजन हो रहा है, हमारी एक प्रार्थना के ऊपर महाराज जी ने अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अचल दास जी महाराज जी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ पर पहुँच करके आप सभी लोगों को उस संदेश दिया सत्संग के लिए, जीव के उत्थान के लिए और राष्ट्र की उन्नति के लिए, क्योंकि राष्ट्र की उन्नति के लिए महापुरुष समय समय के ऊपर बड़ा त्याग बलिदान किया है। उन्हीं के अंदर ये जो संत समिति है ये भी अपना बहुत बड़ा योगदान करती है, जैसे राम मंदिर के अंदर जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर और CAC इसके ऊपर जो कार्य किया है संत समिति ने सबको इसके लिए जागृत किया है और महाराज जी ने बड़े कार्यक्रम करके लोगों को ये संदेश पहुंचाया है कि हमारा जो जीवन है वो राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। और अनेकों महापुरुष जो आज सम्मिलित हुए हैं और कल विशाल संत सम्मेलन है उसके अंदर भी हजारों हजारों संत महापुरुष आएंगे और प्रवचनों के द्वारा अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। और अभी शोभा यात्रा महाराज जी की मूर्ति की पूरे गांव से परिक्रमा लगा करके और यहां पर विराजमान होंगे और कल मूर्ति स्थापना दिवस है और इसमें हम सभी से कहते हैं कि वो बढ़ चढ़ करके महाराज जी के दर्शन और इसके अंदर सहयोग करें। कैमरा पर्सन भारती के साथ अर्चना त्रिपाठी, सिटी बिग न्यूज़।